हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही रिक्वेस्टेड मेरा रॉ लैंगिंग के डिज़ाइन दिखाने जा रही हूँ। एक तो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी पिकॉक का डिज़ाइन बताइए, और दूसरी रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि मिरर वॉल हैंगिंग डबल मिरर का बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज आपकी ये रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है, और आज हम बनाने वाले हैं डबल मिरर वॉल हैंगिंग जिसमें टू मिरर्स लगने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें पिकॉक का डिज़ाइन भी बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम भी मैं पिकॉक के काफ़ी सारे डिज़ाइन लाने वाली हूँ, और आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने इसके लिए लिया है येलो कलर का माइक्रम। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखना मत भूलिए कितना माइक्रम लगा है, कितना नहीं सब दिया है। और फ्रेंड्स, ये पिकॉक कलर का एक 2 मीटर का कॉर्ड ले लिया है, और ये कुछ ब्लू कलर का माइक्रम का कॉर्ड ले लिया है। और ऑब्वियसली 2 मिरर्स लगने वाले हैं, 8 इंचेस के 2 मिरर लिए हैं, और ये 10 इंचेस के वुडन का स्टिक है, ये भी हमें 2 स्टिक लगने वाली है, 2 स्टिक लगने वाली है। और ये मैंने कुछ लंबे लंबे बीड्स ले लिए हैं, ये बड़े बीड्स हैं, मैंने ग्रीन और ब्लू लिए हैं, जो इसमें सूट करेंगे वो हम यूज़ करेंगे। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं इसलिए ये यूज़ किए हैं। आपके पास इससे छोटे हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसके लिए ब्लू कलर के बेल्स लिए हैं, और ब्लू कलर के मटका बीड्स लिए हैं। ये बीड्स छोटे छोटे होते हैं, और ये रिंग लिया है 3 इंचेस का, ये हैंगिंग रिंग है, आप चाहे तो एक चौड़ा रिंग आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और 7 इंचेस के 2 रिंग लिए हैं मिरर को पीछे से लगाने के लिए, और 8 इंचेस के 2 रिंग लिए हैं क्योंकि हमारा मिरर 8 इंच का है, आगे से लगाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई इसकी सारी सामान। आप चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमने 3 इंच के रिंग में मैंने यहाँ पे 16 कॉर्ड्स ऐड कर दी हैं, और एक कॉर्ड 8 मीटर का है, और जब हमने इसे डबल किया तो हमें सिंगल कॉर्ड जो है वो 4 मीटर का मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल 16 कॉर्ड्स है, यानी कि 16 कॉर्ड्स है। और याद रखिए, एक पूरा कॉर्ड मैंने 8 मीटर का कट किया था, और डबल करने के बाद हमें 4 मीटर का एक कॉर्ड मिल गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से मैंने 4 कॉर्ड्स छोड़ दी हैं। अब उसके बाद हम उसके पास वाले 2 कॉर्ड लेंगे सेंटर के, और उसमें एक लंबा सा बीट डाल देंगे। यहाँ पे हम एक स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। तो देखिए, दूसरा भी हमें ऐसे ही करना है। सेंटर के 2 कॉर्ड्स लेके हमें एक एक बीट डालते जाना है और स्क्वायर नॉट लगाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी बीड्स डल चुके हैं, अब हमें इसके नीचे फिर से स्क्वायर नॉट्स लगाने हैं। याद रखिए, हमें सेंटर सेंटर की कॉर्ड्स में ही इन नॉट्स को लगाना है।
तो देखिए हमारी ये नॉट्स लग के कंप्लीट हो गई और आपको भी ये ऐसे ही बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा ये जो सबसे पहला वाला कॉर्ड है ये यहाँ पे ले लेंगे और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और आधी कॉर्ड्स हम इस कॉर्ड में डाल के यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा एक साइड का पाइपिंग भी हो चुका है और दूसरे साइड का पाइपिंग करने के लिए भी हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहला वाला कॉर्ड लेके उसमें इन सारी कॉर्ड्स को डालते जाना है। और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो पीकॉक कलर का कॉर्ड मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था इसको हमें यूज़ करना है यहाँ पे। ये जो हमने दोनों साइड से पाइपिंग कर ली है अब यहाँ पे हमें इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि पहला जो सबसे पहला वाला कॉर्ड है उसमें एक बीट डाल दूँगी ब्लू कलर का, ओके फ्रेंड्स। और सेकेंड कॉर्ड जो है उसके नीचे का येलो कॉर्ड वहाँ पे हम ये वाला पीकॉक कलर का जो कॉर्ड है हमारा इसको हम अटैच कर देंगे पीछे की साइड लाइटर की मदद से। देखिए ये स्टिक हो गया। अब इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पाइपिंग बनाने के लिए। देखिए हम इसको ऐसे दो दो बार डालेंगे और यहाँ पे हम इसको फील कर लेंगे। चाहो तो कलर दूसरा ले सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ से मैंने ये पीकॉक कलर का कॉर्ड जो है वो यहाँ पे डाल दिया है और अब हम सबसे पहला वाला कॉर्ड जिसमें मैंने बीट डाला था उस कॉर्ड को लेके इन सारी कॉर्ड्स को उसमें डाल देंगे और यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स दूसरे साइड में भी हम ऐसे ही करेंगे बीट डाल देंगे और यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी दोनों साइड से पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें एक एक कॉर्ड लेके उसमें बीट डालते जाना है और ऐसे ही पाइपिंग करते जाना है।
ये देखिए, पहले वाले कॉर्ड में हमें हमेशा पहले बीट डाल देना है और फिर उसी कॉर्ड को लेके उस पे पाइपिंग कर देना है। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, फिर से एक बीट डाल देंगे और इसी कॉर्ड पे हम पाइपिंग कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड से कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने दोनों साइड में सेम डिज़ाइन बना लिया है और आप ध्यान से देखिए, मैंने दोनों साइड में 12-12 यहाँ पे लाइंस बना ली है, यानी कि 12-12 लाइंस बना ली है और लास्ट का ये एक लाइन मैं यहाँ पे बना रही हूँ। फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ पे हमें 3 कॉर्ड्स छोड़ देनी है, ये हम बाद में करेंगे। दोनों साइड में हमने 12-12 लाइंस कंप्लीट कर ली है, ये देखिए 1, 2, 3 ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे भी मैंने 3 लाइन छोड़ दी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पिकॉक कलर का कॉर्ड है इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही हमें यहाँ पे इसका पाइपिंग कर लेना है। दोनों साइड में हमें ऐसे ही कर लेना है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारा ये पाइपिंग भी कंप्लीट हो चुका है पिकॉक कलर का, और जब ये कॉर्ड ख़त्म हो जाता है तो हमें इसको पीछे की तरफ स्टिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे हम स्क्वायर नॉट लगा के इस जगह को भर देना है। तो सेंटर की 4 कॉर्ड्स मैंने ले ली और यहाँ पे अब हम स्क्वायर नॉट लगा लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये एक नॉट लगने के बाद हमें यहाँ के 2-2 नॉट्स लेने हैं और 5 वाले 2 नए कॉर्ड्स लेने हैं, सॉरी कॉर्ड्स लेने हैं। अब देखिए, यहाँ से मैंने 2 कॉर्ड्स ले लिए और वहाँ से 2 कॉर्ड्स ले लिए, यहाँ से फिर से स्क्वायर नॉट लगा लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा।
और यहाँ पे एक नॉट और लगा लेंगे। तो देखिए ये साइड ऐसे कंप्लीट हो गया है। वैसे ही हमें दूसरी साइड कंप्लीट करनी है और फिर यहाँ पे एक दूसरा लाइन भी बनेगा। तो ऐसे ही हम ये सारी लाइंस कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे स्क्वायर नॉट्स लगा के इस हिस्से को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नॉट्स आई है। अब यहाँ पे हमें मिरर अटैच करने के लिए पहले रिंग लगाना है। ये 8 इंचेस का रिंग है, बड़ा वाला, पहले उसको अटैच करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स हमें साइड से छोड़ देनी है। ये देखिए, ये 4 कॉर्ड्स है, ये 2 जो ऊपर की नॉट से आई है, और फिर से यहाँ से हमें 4 इस वाले नॉट में जो कॉर्ड्स आई है उनको छोड़ देना है। यानी कि 10 कॉर्ड्स मैंने यहाँ पे छोड़ दी और यहाँ से भी मैंने 10 कॉर्ड्स छोड़ दी। यानी कि 10-10 कॉर्ड्स हमें दोनों साइड से छोड़ देनी है और सेंटर की जितनी भी कॉर्ड्स है यहाँ पे हमें इस रिंग में अटैच कर देनी है। याद रखिए, सबसे पहले हमें 8 इंचेस का जो रिंग है हमारा बड़ा वाला उसको अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 इंचेस का जो हमारा बड़ा रिंग है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, अटैच कर लिया है। अब ये जो 7 इंचेस का छोटा रिंग है उसको भी हम अटैच करेंगे। साइड की कॉर्ड्स को आप नॉट लगा के रख सकते हो। अब देखिए, इसको मैं उल्टा कर दूंगी और ये जो सेंटर की कॉर्ड्स है ये सारी हमें इस रिंग में अटैच करनी है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप रखेंगे। ये देखिए, इतना गैप हम रखेंगे 1 से 1.5 इंच का। और ये देखिए, इस तरीके से हम इस रिंग को भी अटैच कर देंगे। यहाँ पे जितने भी कॉर्ड्स हैं फ्रेंड्स, हमें सारी इसमें अटैच कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिंग भी मैंने अटैच कर लिया है और इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब याद रखिए, छोटा रिंग जब हमने अटैच किया था तो मैंने इसको उल्टा किया था। और अब हम यहाँ पे मिरर अटैच करेंगे। इस मिरर को इस रिंग के नीचे ऐसे रख देना है और आप समझ गए होंगे इसलिए हमने बड़ा वाला रिंग पहले लगाया था। अब देखिए, पीछे से इस रिंग में भी हमें इन सारी कॉर्ड्स को अटैच करना है ताकि ये आगे आ जाए और फिर हम इन कॉर्ड्स को बड़े वाले रिंग में अटैच करेंगे तो ये मिरर जो है यहाँ पे अच्छे से लॉक हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल सीधा पकड़ना है अच्छे से और इन सारी कॉर्ड्स को इसमें अटैच कर देना है।
तो देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। सारी कॉर्ड्स को मैंने इस रिंग में अटैच कर दिया। अब हम इसको उल्टा करेंगे और देखिए फ्रेंड्स, आगे के रिंग में हमें इन कॉर्ड्स को फिर से डाल देना है, तो ये लॉक हो जाएगा। जितनी भी हमारी पीछे के रिंग में कॉर्ड्स है, सारी हम इस रिंग में डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मिरर हमारा लग चुका है और अब हम साइड का डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए हमने कॉर्ड्स को छोड़ दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो फोर कॉर्ड्स है दोनों साइड की हम छोड़ देंगे और सेंटर का जो दूसरा कॉर्ड है, ये देखिए, इसको ले लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड में ले लेंगे और हमारे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जितनी भी कॉर्ड्स है उनको सबको इसमें डाल के यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमें एक एक सेक्शन बनाते जाना है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से कंप्लीट होने के बाद सेंटर की दो कॉर्ड्स लेके हमें उसमें एक बीट डाल देना है। मैंने ग्रीन कलर का बीट लिया है। अब देखिए, इन कॉर्ड्स को इस वाली कॉर्ड में डाल देंगे और ये सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको इस रिंग में अटैच कर देंगे। इस रिंग से हम इसको बाहर निकाल के इसमें अटका देंगे। ये देखिए, अब इसमें हम इन सारी कॉर्ड्स को डाल देंगे। तो ऐसे ही दोनों साइड हमने कंप्लीट कर लिए। अब फिर से हमें इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम एक कॉर्ड ले लेंगे सेंटर का। दोनों साइड से फोर फोर कॉर्ड्स आपको छोड़ देनी है और सेंटर का कॉर्ड उठा के फिर हमें राइट हैंड में जितनी भी कॉर्ड्स है उसको इसमें डाल देना है। अब इसमें फिर से एक बीट डाल देंगे और इस कॉर्ड को रिंग में अटैच कर लेंगे और ऐसे ही सारे सेक्शन बना के हम यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ब्लू और ग्रीन कलर के बीट्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो कोई एक कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, सारे सेक्शंस मैंने बना लिए हैं। आप देख सकते हो दोनों साइड से मैंने 10-10 सेक्शंस बना लिए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों साइड से मैंने 10-10 सेक्शंस बना लिए हैं। और अब हमें यहाँ पे सेंटर में डिज़ाइन बनाना है ताकि हम दूसरा मिरर भी अटैच कर सकें। तो ये देखिए, इन कॉर्ड्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और राइट साइड से एक एक्स्ट्रा का कॉर्ड जो है उस साइड का एक कॉर्ड ले लेंगे और सेम ऐसा ही एक सेक्शन बनाएंगे। अब देखिए, सेंटर की 4 कॉर्ड्स को लेके हम यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे मैं बीड्स इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे 4 स्क्वायर नॉट्स लगा लूँगी। तो देखिए, अब इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम ये वाला स्टिक अटैच कर देंगे। 10 इंचेस का जो मैंने वुडन का स्टिक लिया है, इसको हम अटैच कर देंगे। ये सारे कॉर्ड्स हम इसमें एक एक दो दो बार डाल डाल के इसको अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये 10 इंचेस का आपके लिए काफ़ी नहीं है, आप 12 इंचेस का भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोग बाद में कहते हैं कि हमें इतना लग गया, उतना लग गया। तो फ्रेंड्स, ये सब आपके बनाने के स्टाइल पे होता है। आप चाहो तो इससे बड़ा अगर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो हमेशा जब भी हम ऐसा रिंग या कोई स्टिक यहाँ पे अटैच करते हैं तो याद रखिए, हमें सेंटर की कॉर्ड्स को पहले अटैच करना है ताकि ये अच्छे से अटैच हो, ऊपर नीचे ना हो। तो चलिए इसको ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारा ये वुडन का स्टिक लग चुका है और अब हमें नीचे यहाँ पे या सेंटर में जो सेक्शन बना है वो हमें सेंटर में सेक्शन बनाना है। सेम यही सेक्शन हमें नीचे बनाने हैं, इसलिए मैं आपको बना के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब देखिए, याद रखिए, जितनी कॉर्ड्स ऊपर डिवाइड हुई है उतनी ही आपको नीचे डिवाइड कर देनी है और सेम ऐसे ही सेक्शन आपको एक एक नीचे बना देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक एक सेक्शन बना लिया है सेम यही प्रोसेस से। और पहले यहाँ पे मैंने एक एक स्क्वायर नॉट लगा लिया था इन कॉर्ड्स में, ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोसेस सेम था इसलिए मैंने इसको शूट नहीं किया है, रिपीट नहीं किया है। तो इतना तो आप बना ही सकते हो।
और अब हम दूसरा मिरर अटैच करेंगे। उसके लिए हम फिर से 8 इंचेस का जो हमारा रिंग है उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। सेम वही प्रोसेस है फ्रेंड्स जो ऊपर मैंने आपको दिखाया। इसके बाद हम छोटा रिंग अटैच करेंगे और फिर मिरर अटैच करेंगे। और याद रखिए हमें सिर्फ सेंटर की कॉर्ड्स को डालना है, इन कॉर्ड्स को इसमें नहीं डालना है रिंग में, क्योंकि ये बेल्ट हम नीचे बनाने वाले हैं। तो देखिए अब मैंने इसको फिर से उल्टा कर दिया और यहाँ पे 7 इंचेस का एक रिंग मैं अटैच करूँगी, 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ के। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिरर मैंने अटैच कर लिया है। जो प्रोसेस मैंने ऊपर दिखाया है सेम उसी प्रोसेस को यूज़ करके हमें इस मिरर को यहाँ पे अटैच कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इतना हो गया, आई होप आपको समझ आ गया। और ये जो सेंटर साइड की कॉर्ड्स को मैंने छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हम ऐसे ही बेल्ट बना लेंगे। ये देखिए पूरा राउंड हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें 10-10 सेक्शंस बना लेने हैं। इसको रिपीट नहीं दिखाऊंगी फ्रेंड्स क्योंकि ये वही प्रोसेस है। अब हमारा इतना मिरर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करती जाऊंगी और रिंग में एक एक बार इस कॉर्ड को अटैच करते करते हमें। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये बेल्ट भी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए दोनों मिरर हमारे अटैच हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 9 सेक्शन बना लिए हैं। एक सेक्शन और बना लूँगी मैं यहाँ पे, और सेंटर में ये जो सेक्शन हमने यहाँ पे बनाया है वो हम नीचे फिर से बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कंप्लीट कर लिया मैंने। ये सेंटर का सेक्शन भी बना लिया और वहाँ पे मैंने जैसे मैंने ऊपर स्टिक लगाया था, ये देखिए वैसे मैंने स्टिक भी लगा लिया है। ये भी 10 इंचेस का है। ये देखिए जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था सेम वही प्रोसेस नीचे करना है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को रिपीट नहीं दिखाया है। और यहाँ पे भी मैंने एक एक स्क्वायर नॉट लगा के इन कॉर्ड्स को यहाँ पे लॉक कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे इसको एंड करने के लिए नीचे का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। सेंटर की कॉर्ड्स को लेके मैं यहाँ पे एक वी शेप बना लूंगी। फ्रेंड्स मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में दिखाया है कि ये शेप कैसे बनाना है। इनफैक्ट इसी वीडियो में शुरुआत में हमने बनाया है, वैसे ही यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एक लाइन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए 4 कॉर्ड्स को छोड़ दूंगी और दूसरा लाइन स्टार्ट करेंगे। जब भी आप एक लाइन कंप्लीट कर लोगे तब आपको साइड की 2-2 कॉर्ड्स ऊपर छोड़ देनी है और फिर नीचे नॉट्स लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी नॉट्स लगा के यहाँ पे ये शेप कंप्लीट कर लिया है। एंड में एक ही नॉट आता है। और अब देखिए सबसे पहला वाला कॉर्ड लेके मैं यहाँ पे इस पे पाइपिंग कर लूँगी।
तो देखिए अब दूसरा लाइन भी बना लेंगे और ऐसे ही हमें दोनों साइड से इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें बेल्स लगाएंगे और इसके लिए कुछ बीट्स भी लगेंगे। तो देखिए दो दो कॉर्ड्स को मैं ले लूँगी, आप अपने हिसाब से इसका लेंथ रख सकते हो, मैंने 2 इंचेस का लिया है। ओके फ्रेंड्स तो अब इसमें हम बीट डाल देंगे और एक एक बेल डाल के हम लाइटर से स्टिक कर देंगे। ऐसे ही हम सारी कॉर्ड्स को कट करके इसमें बेल्स लगा देंगे। अब दूसरा कॉर्ड जब हम कट करेंगे तो थोड़ा सा लंबा कट करेंगे और ऐसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम पिकॉक का नेक बनाने वाले हैं जो हमारा मेन हाईलाइट है इस मिरर वॉल हैंगिंग का, और ये मैंने पहले से बना रखा है लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाने वाली हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक आयरन का बहुत ही पतला सा वायर, इसको आप काफ़ी सारे लोग स्टॉकिंग के फ्लावर्स बनाने के लिए भी यूज़ करते होंगे और ये किसी भी क्राफ्ट स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और ये ब्लू कलर के कुछ कॉर्ड्स लिए हैं इसलिए ये हमें लगने वाला है। तो देखिए मैंने 4 माइक्रम के ब्लू माइक्रम के कॉर्ड्स ले लिए हैं और अब हम इसका सेंटर निकाल देंगे और इसका जो साइज़ है वो लेंथ है वो है 2 मीटर्स का। तो 2 मीटर्स का हमें 4 कॉर्ड्स ले लेनी है और इसका सेंटर मैंने निकाल लिया। देखिए इसका भी सेंटर हम निकाल लेंगे और इसको हम ऐसे क्रॉस में रख देंगे, ये देखिए ये 4 कॉर्ड्स हमने ऐसे क्रॉस में रख दी। अब हम देखिए हमारे साइड में जो कॉर्ड है हमारे पास, ये वायर भी हम इसमें लगाने वाले हैं लेकिन ये थोड़ा बाद में यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको बहुत ही पेशेंटली देखिए तो आप ये नॉट समझ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स तो देखिए सबसे पहले हम इस वाली कॉर्ड को ऊपर की साइड में रख देंगे तो ये हमारा हो गया यू शेप। ओके अब हमारी लेफ्ट हैंड में जो कॉर्ड है ये यू शेप बनने के बाद ये देखिए नीचे के जो कॉर्ड है हमारे लेफ्ट हैंड का जो कॉर्ड है उसको हमने इन दोनों कॉर्ड्स के ऊपर रख दिया तो यहाँ पे भी एक यू शेप बन गया। ओके फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया। अब ऊपर का जो कॉर्ड है हमारे सामने वाला हमारे राइट हैंड में उसको हम हमारे पास कर लेंगे हमारी साइड में तो ये जिगजैग ये देखिए ये एस बन गया। ओके फ्रेंड्स पहले हमने दोनों कॉर्ड में यू शेप बना लिया फिर हमने एस बना लिया। अब हम दूसरी कॉर्ड का भी एस बनाएंगे, ये देखिए ये कॉर्ड्स कुछ कॉर्ड्स के नीचे है कुछ ऊपर है तो ऐसे ये हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए जैसा मैं बता रही हूँ वैसे कीजिए। अब देखिए हमारे राइट हैंड में जो नीचे कॉर्ड था उसका हमने एस बना लिया ऐसे और ऐसे। अब इस कॉर्ड को हम ये जो कॉर्ड है इसके नीचे से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप थोड़ा पॉज कर करके देखिए, बनाते बनाते देखिए तो आप बिल्कुल सीख जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स अब ये जो चारों कोने हैं ये देखिए ऐसे हम इसको खींचेंगे
और यहाँ पे नॉट रेडी हो जाएगा। तो देखिए आपको ये खींचने के बाद अच्छे से इसको टाइटली खींचना है, इसी से हमारा पीकॉक का जो नेक है वो अच्छा बनेगा और ये नॉट आपको काफ़ी काम आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम भी मैं जब भी पीकॉक का कोई वीडियो डालूंगी तो उसमें भी यही नॉट यूज़ होने वाला है, तो आप प्लीज़ इसको प्रिपेयर करके रखिए, सीख जाइए। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से हमें इसको क्रॉस करके रखना है। अब ये क्रॉस तो बिल्कुल रेडी हो चुका है क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक नॉट लग चुका है। फिर से हम इसका यू शेप बनाएंगे, ये देखिए। फिर से ऊपर का कॉर्ड हमारी तरफ ले लेंगे, इसका एस बनाएंगे। फिर से अब इस वाली कॉर्ड को इस कॉर्ड के नीचे से लेंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसको हम चारों साइड से बिल्कुल एक जैसा खींचेंगे। ओके, तो ये टाइट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आप इस वीडियो को ना जब बनाओगे तो पॉज कर लेना और फिर बना के देखना, जैसे जैसे डायरेक्शन में देती जा रही हूँ वैसे बना लेना। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको इतना बना लिया है। ओके, अपनी उंगली पे रख के आप इसको देख सकते हैं, मैंने इसको करीब 1 से 1.5 इंच का बना लिया है। और अब यहाँ पे जो थोड़ा सा होल बनता है बीच में, उसमें हम इस आयरन के वायर को डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मैं प्रेस कर लूँगी और इसको डबल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी पतला है। अगर आपके पास इससे थोड़ा मोटा आयरन का वायर है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो और उसको आप सिंगल भी डाल सकते हो। तो देखिए ये मैंने इसमें फंसा लिया है और फिर इसको फंसाने के बाद आपको फिर से वही नॉट लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स बहुत इजी है, मुझे खुद को भी ये काफ़ी टफ लग रहा था लेकिन जब मैंने इसको एक बार बना लिया मैं सीख गई तो इसको इतनी फटाफट बना लिया, ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब हमें इन कॉर्ड्स को ऐसे ही इस वायर के ऊपर चढ़ाते जाना है, डिज़ाइन बनाते जाना है, इतना कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स इसका एग्जैक्ट साइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और वहाँ पे मैं मेंशन करूँगी पीकॉक नेक। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा ये जो पीकॉक का नेक है उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर नॉट लगाई इसीलिए थी कि हम इसको जगह में अच्छे से अटैच कर सके। तो ये देखिए इसका जो आयरन का वायर है सबसे पहले हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, बाहर पीछे की तरफ से हम इसको खींच लेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला नॉट है उसके ऊपर के जो होल है उसमें हम इसको डाल देंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स इसके साइड में जो होल है वहां पे भी हम इन सारे नॉट्स कॉर्ड्स को
बाहर की तरफ खींच लेंगे। फ्रेंड्स ये पूरा पिकॉक तो नहीं है, लेकिन कई दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए मैंने ये कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छा लगे। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि ये पूरा पिकॉक नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स पीछे जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है बीड्स को डालते हुए, उसको हम इसके जो पंख होते हैं उसको उस तरह से मैंने बनाया है। और ये आइडिया मैंने लगाया है क्योंकि मिरर वॉल हैंगिंग में वैसे भी पिकॉक का डिज़ाइन बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो पीछे की कॉर्ड्स है, जो कॉर्ड्स हमने पीछे की तरफ निकाल लिए है, उसको हम यहाँ पे लॉक करने के लिए चार चार कॉर्ड्स में स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारी कॉर्ड्स में नॉट लगा के इसको अच्छे से हम लॉक कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा की सारी कॉर्ड्स है इसको भी कट करके हम स्टिक कर देंगे। अब ये जो आयरन का वायर है इसका, उसको आप देखिए इसे कट कर देंगे, इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए और इसको कट कर देंगे यहाँ पे, और पीछे हम इसको ऐसे ही यहाँ पे अटका देंगे, इसको कट करके स्टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब ये जो पिकॉक है इसकी जो चोंच होती है वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये रेड कलर का माइक्रम का छोटा सा वेस्ट टुकड़ा ले लिया है। और शुरुआत जो हमने की थी तो देखिए ये ऐसे दिखता है, यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आप देख पा रहे हो ठीक से, ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पिकॉक की आंखें बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर के जो कुंदन होते हैं वो ले लिए हैं। और आप चाहे तो इस तरीके के मार्केट में हाफ पर्ल भी मिलते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेड कलर के कुंदन यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे टेप से स्टिक कर दिया है आप लोगों को इंस्टेंट दिखाने के लिए, लेकिन बाद में इसको हम ग्लू से स्टिक करने वाले हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगे हो। मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को एक नया डिज़ाइन दिखा सकूँ। तो देखिए आप ऐसे ही इसको स्टिक कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम मोर के सर पे जो एक चीज होती है तुरे जैसी वो बनाने वाले हैं। उसको बनाने के लिए मैंने पर्ल पिंस का यूज किया है, आप चाहो तो सिल्क माइग्रम की कॉर्ड भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स मैंने राखी का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि उसको पंख जैसा शेप कैसे देना है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर एंड स्क्रीन में उस वीडियो को लगा दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि मैंने जब इसको बाद में थंबनेल के लिए फोटोज़ निकाली थी तो मैंने वही यूज़ किया है। ये मैं पर्ल पिंस आपको इंस्टेंट दिखाने के लिए लगा के दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा पिकॉक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स ये परफेक्ट पिकॉक नहीं है, लेकिन मिरर वॉल हैंगिंग में अगर हमें पिकॉक का डिज़ाइन बनाना है तो ऐसे ही बनेगा।
फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि मैं इस मोर के सर पे माइक्रम से बना हुआ कुछ लगाने वाली हूँ, तो वो मैंने लगा दिया है। और ये इस मिरर वॉल हैंगिंग का कंप्लीट लुक है। मैंने पिकॉक के दोनों साइड में पॉम पॉम बना के भी लगा दिए हैं। और ये मैंने हैंगिंग बेल्स लगाए थे ब्लू कलर के, आप देख सकते हैं। और हमारी दोनों स्टिक लग चुकी है, दोनों मिरर्स लग चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।